आज हम लोग जाने वाले हैं बोटानिकल गार्डन और काउंसिल रोटरी एरिया दैट एरिया। तो गाइस मैं आप पहुंच चुका हूँ बोटानिकल गार्डन। तो आप देख सकते हैं ये बोटानिकल गार्डन एक बहुत ही अच्छा एरिया है। मैं आप पहुंच चुका हूं अभी काउंसिल रोटरी, जो कि आपको देखने में ये है काउंसिल रोटरी, और पीछे जो है आपको व्हाइट कलर का ये है काउंसिल ऑफिस। सो हेलो गाइस, मैं हूं देव, वेलकम बैक टू माय चैनल एमकेडी देव। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। क्या है कि कोरोना ने हम लोग को पूरा जकड़ के रख दिया। अभी हम लोग को ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम लोग पूरा रिटायरमेंट जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मैंने एक नया वीडियो लेके आया बहुत अच्छा, कि आई होप आप लोग को अच्छा लगे। वीडियो होने वाला है कि आज हम लोग जाने वाले हैं बोटानिकल गार्डन और काउंसिल रोटरी एरिया, जो काउंसिल ऑफिस का आउटसाइड एरिया है, उसको देखने जाने वाले। देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस मैं बैठा हूँ एक ऑटो पे जिसके सहारे बोटानिकल गार्डन जा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस नज़ारे को देखिए और एंजॉय कीजिए। सुंदर से बेम्बो से सजाया गया है, पक्का पे सजाया गया है, टॉप के अंदर सजाया गया है। पहले तो बहुत सुंदर से बहुत और भी सजाता था, लेकिन अब कोरोना के वजह से इतना इस हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाए थोड़ा, लेकिन
फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से सजाए गए हैं। और देखिए यहाँ पे जो जानवरों को भी पाला जाता है, पहले तो बहुत पालता था लेकिन अभी थोड़ा बहुत है जो है अभी दिखाने वाला हूँ। आप लोग भी देखिए ये रैबिट्स व्हाइट कलर का। हाय हेलो, देखिए 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 किस किस तरह के मेरे हाथ पे आ रहा है। हेलो हेलो, कितना प्यारा लगता है ये रैबिट्स देखने में। दिल करता है इसको घर पे लेके जाओ और पालना शुरू कर दो, लेकिन क्या करें ये फॉरेस्ट का रूल रेगुलेशन है, इन्हें पल के रखता है। दिल तो करते बहुत कुछ लेकिन कर नहीं सकते, क्या करें। कोशिश करेंगे क्योंकि काउंसिल एरिया भी बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। तो चलिए गाइस
अभी हम लोग काउंसिल देखने जाते हैं। गाइस मैं आपको पहुंच चुका हूँ अभी काउंसिल रोटरी, जो कि आपको देखने मिल रही है काउंसिल रोटरी, और पीछे जो है आपको व्हाइट कलर का ये काउंसिल ऑफिस। क्या है कि ये खासकर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली ज़्यादा ट्राइबल लोग का ज़्यादा रहना होते हैं, ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि दिमासा, कुकी, माँ, रंगखल, बेटे, इस तरह के ट्राइबल जो ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे दूसरे जाति रहते हैं, जैसे कि नॉन ट्राइबल भी रहते हैं, असमीज़, बंगाली, मणिपुरी और बिहारी, भोजपुरी, पंजाबी, ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ। और क्या है कि और हमारा हम लोग जो यहाँ के जो हेड है वो सी एम हेड है, इसीलिए मेम्बर कहते हैं। और अभी जो वर्तमान जो सी एम है उसका नाम है देवलाल गोल्लो सर। अभी जो हम लोग ये थोड़ा बहुत एरिया देखने वाले, इसका जो काउंसिल का रोटरी एरिया दिखाने वाले और थोड़ा काउंसिल ऑफिस दिखाने वाले, जितना तक भी और इस जगह का थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो गाइस ऑफिस, जहाँ पे जो लोग यहाँ दिमाहासा का जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं और जिसके माध्यम से वो अपना ज़िंदगी गुजार करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है। कि है कि वो गार्ड जो बैठा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गार्ड बैठा है वो गार्ड ने अभी बोला है कि अभी फ़िलहाल अंदर जाने से, क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा हमें। सो हम नहीं चाहते कि अभी वहाँ पर जाएँ और उसका नियम भंग करें, क्योंकि हर एक का रूल रेगुलेशन होता है, सो हमें भी उसका फॉलो करना चाहिए। सो ये है काउंसिल ऑफिस। सो गाइस आज का जो ब्लॉग है हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद नाइट कर्फ्यू चालू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और तब तक रहिएगा।